राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण जिले में नाबालिग बच्ची के साथ उसी के स्कूल के दोस्तों के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जिले के बालेसर कस्बे में 12 साल की नाबालिग बच्ची से स्कूल के दोस्त ने अपने दोस्त के साथ मिलकर छात्रा का बीते 8 महीने पहले दुष्कर्म किया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई। वहीं पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है। लड़की के प्रेग्नेंट होने की बात पता चलते ही पीड़िता के परिवार वालों ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। वहीं बाल संरक्षण आयोग के प्रतिनिधि भी जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल पहुंचे और पीड़िता से मुलाकात कर पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक बालेसर इलाके एवं एक गांव में 12 साल की बच्ची नाबालिग के साथ 8 महीने पहले दुष्कर्म का ये मामला है। पीड़िता के परिवार वालों ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी बेटी के स्कूल के ही 3 दोस्तों ने स्कूल से घर लौटते समय उसे जबरन उठाकर एक सुनसान घर में ले गए, जहां एक आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और 2 साथी कमरे के बाहर पहरा देते रहे। उस समय पीड़िता ने उनके डर से दुष्कर्म की घटना किसी को नहीं बताई थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब इस बात की जानकारी पीड़िता भी समझ नहीं पाई। अब वारदात के 8 महीने बाद जब पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया तब जाकर दुष्कर्म की घटना का पर्दाफाश हुआ है। वहीं दुष्कर्म के कुछ महीनों बाद पीड़ित छात्रा का जब पेट बढ़ने लगा, इस मामले के बारे में पीड़िता ने घर वालों को बताया नहीं और मां ने पेट में गांठ समझ ली। इधर बच्ची भी खेलकूद में व्यस्त रही, लेकिन रविवार को जब बच्ची की तबीयत खराब हुई तो उसे जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहीं डॉक्टर्स ने जांच कर उसे लेबर रूम में भेज दिया। करीब आधे घंटे बाद जब हॉस्पिटल के नर्स ने पीड़िता की मां को बच्चे होने की बात बताई तो महिला के होश उड़ गए। इस मामले का खुलासा होते ही पीड़ित के घर वालों ने पुलिस थाने में मामला 3 नाबालिग लड़कों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत जांच पड़ताल कर जबरन अपहरण और दुष्कर्म करने वाले 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।